शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही वाणी 19 अगस्त 2021 का साकार हिंदी मुरली। आज बाबा सार में बताते हैं, बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राज योगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। बहुत सिंपल मेथड में बाबा समझाते हैं, सही पवित्रता को आधार बना करके तुम राजयोग करते हो तो तुम तो स्वर्गों का मालिक बन जाएंगे, तुम राजाई प्राप्त करेंगे। इसीलिए तुम राजऋषि राजयोगी, राजऋषि माना जो सदा पवित्र रहते हैं, राजयोगी। इस समय भगवान हमें योगेश्वर अभी ब्रह्मा का तन में आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। तो एक अटेंशन हमें राजाई का लायक बना देता है, तो वो है पराई पर पूरा अटेंशन। अगर हम देते हैं तो राजाई का लायक हम बन जाते हैं। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छे रीति सुन करके हमें धारण करना है। बाबा ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएंगी। कितना सिंपल मेथड बाबा समझाते हैं। अगर सुनते समय उबासी देते व झटका खाते, बुद्धि भटकती, राजाई गवा देके। तीन बात का सावधानी बाबा हम देते हैं, उबासी देना, झटका खाना, बुद्धि को भटकाना। इसलिए पढ़ाई पर हमें पूरा अटेंशन देना है, ये हमें राजाई लायक बना देते हैं। और बाबा समझाते हैं, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। ईश्वरीय कुल में आकर कुल कलंकित नहीं बनना। पवित्र बनने की तो अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, बार बार प्रतिज्ञा करनी है और प्रतिज्ञा को दोहराना है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना, समय भी और संपत्ति भी, धन भी, ये बाबा का अमानत है। हम ट्रस्टी लाइफ बिता रहा है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना। फूलों के बगीचा में सतयुग में चलने के लिए तो काटे निकाल देना, कोई प्रकार का हमारा तो विकार अंदर में रहा हुआ हो, पांच विकार का कोई भी अंश मात्र भी उसे निकाल देना, फूल बन जाना। तो ये बाबा समझाते हैं। पहले आप, ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर पाठ है, सबको आगे रखना। तो ताजधारी हम बन पाएंगे, इसको ही बाबा कहते हैं तुम बहुत चतुर सुजन, चतुर सुजन तुम बन जाएंगे। अगर सबको पहले आगे कर देंगे आप पीछे रह जाएंगे। और अंत में बाबा सार का बात समझाते हैं, जो अंतर्मुखी एकांतवासी तो बनते हैं, वो श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का, परिस्थ स्थिति का अनुभव करते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं। अभी हम विस्तार से सुनेंगे। मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। ये तुम्हें वायदा करना है, ये तुम्हें बाबा से तो ये संपत्ति प्राप्त करने के लिए ये पहला कंडीशन तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लिए लायक बना देता है? उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाबा ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएंगी। कितना सिंपल, सुनना और धारण करना और विश्वास करना, निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता। अगर सुनते समय तीन बात ख्याल रखना, उबासी देते हैं, झुटका खाते हैं और बुद्धि भटकाते हैं तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हमें देना है। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना, हमें उन राहों पर चलना जहाँ गिरना नहीं अपने आप को संभालना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हर्जुग और राजयुग पर बाबा समझाते हैं। ये मेन टॉपिक है, हर्जुग क्या है, राजयुग क्या है, राजयुग से कितना फ़ायदा मिलता है। बच्चों को मालूम है वो जो
भी शिकलाते हैं हर योगी, तो वो कर्म सन्नाशी है, वो कर्म को तो छोड़ देता है, कर्म सन्नाश कर दिया है, गृहस्थियों को सन्नाश कर दिया है। वास्तव में गृहस्थियों को हर योग कर्म सन्नाश सीखना नहीं है, यह परमात्मा का बहुत बड़ा रूल्स हमें मानना है, हमें रूल्स को अमल में लाना है। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग, वो धर्म ही तो अलग है, सन्नाश धर्म तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है, जिन देवी देवताओं ने राज्य से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता जो पवित्र रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और करके दिखाते हैं, अभी तुम पवित्र हो ना, अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते सन्नासी लोग, तुम उसका ड्रामा में पार्ट भी नहीं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी, भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था लक्ष्मी नारायण राम सीता का। अभी पुजारी पतित तुम बने हो, पतित कैसे बने हो इसका ऊपर भी तुम्हें विचार करना, 84 जन्म का हिसाब है ना, बाप जो सहज राजयोग सिखला रहा है वही तुमको 84 जन्म का हिसाब बतलाते हैं। बाबा समझाते हैं राजयोग करने के लिए तुम्हें ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान है 84 का चक्र। तो और सारी बात है इसमें, मुख्य है 84 का चक्र हम कैसे तो पास किया। दूसरे धर्मों को सन्नाश धर्म वाले क्या जानेंगे, दूसरे धर्मों को सन्नाश धर्म वाले बाबा समझाते हैं, ये आदि सनातन देव देवी धर्म को सन्नाश धर्म वाले, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं, तो वो है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म आदि सनातन देव देवी धर्म, और बाकी तो पीछे वाला धर्म, पीछे वाला धर्म आगे धर्म को क्या जानेंगे, जो पास्ट हो गया उनको सन्नासी समझ न सके, ये तो बराबर बात है। तुम जानते हो हर युग अनेक प्रकार की है, द्रापर से भक्ति मार्ग के साथ हर युग शुरू होता है, अभी फिर तुम्हारे लिए राजयुग है, स्वयं भगवान सिखाते हैं। वो हर युग जन्मों बाई जन्म सीखते आए हैं, राजयुग तुम एक जन्म से ही सीखते हो, उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हर युग सीखना ही है। तुमको राजयुग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, एक ही जन्म में ब्राह्मण जब बनते हो तो राजयुग एक टाइम पर हमें सीखना है, बार बार नहीं। यो राजयुग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो, राजा मिल गई स्वर्ग हो गया फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, तुम राज ऋषि हो ना। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना, प्रवृत्ति मार्ग होते हुए भी कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, महात्मा पवित्र होते हैं। शिशु तो बच्चा, तो बच्चे को महात्मा का साथ तुलना किया जाता है, तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो, शिशु का माफिक सतयुग का देवताओं माफिक अभी तुम ब्राह्मण पवित्र, महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा इस समय तुम बनते हो, सतयुग में भी पवित्र रहेंगे महान बनेंगे। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा, शास्त्र तो बाद में बनते हैं द्रापर युग से। तो कहानियां मिसल बैठ लिखते हैं और सबको तो सामने रखते हैं और रुचि से सब पढ़ते हैं सुनते हैं और नीचे गिरते हैं। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो है नहीं, और बाप बच्चों को प्रैक्टिकल पे पढ़ाते हैं। इस समय जो हमारा दुख का समय, दुख से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, तो पतित से कैसे हम पावन बने, प्रैक्टिकल बात हम जब अनुभवी बन जाते हैं तब हमें बाबा दवाई देते हैं। उनको फिर हिस्ट्री बनाई है, यादव कौरव पांडव थे जरूर संगम पर होंगे, बाबा समझाते हैं इस समय का बात, शास्त्र में हिस्ट्री बना करके महाभारत बना दिया, संगम युग की हिस्ट्री बेट बनाई है, त्योहार भी सभी संगम युग का है। जैसे जैसे बाबा कहते हैं राखी बंधन भी पवित्रता का ही मार्ग को समझाते हैं, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। तो यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बना करके प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग देखो कंगन आदि पहनते हैं हाथों में, तो वो भी पवित्रता का निशानी है। हिंदू लोग जनक पहनते हैं, पैता पहनते हैं, वो भी पवित्रता का निशानी है।
परंतु पवित्र रहते नहीं। वो तो लक्षण हाथ में देते हैं तो ये गाले में डालते हैं, हाथ में राखी बांधते हैं खा तो ये शिकलो कंगन पहनते हैं, और तो थोड़ी ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण नहीं राखी बांधते थे, अभी भाई बहन को राखी बांधते हैं। बाबा समझाते हैं ब्राह्मण लोग आगे राखी बांधते थे, अभी तो देखो घर घर में ये चर्चा हो गई, वो खर्ची देते हैं। तो बहन भाई को राखी बांधते हैं तो भाई बहन को गिफ्ट देते हैं। तो यह सब अभी का फैशन पड़ा हुआ है, वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसको छोड़ो, इसको त्याग करो। तो वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसा नहीं समझाएंगे। अभी बहुत का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, तुम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए कि आकर हमें पतित से पावन बनाओ, भगवान को हमें बुलाया है। जब हम पतित बने हैं द्वापर युग से बुलाते आया, सतयुग त्रेता में कोई किसको बुलाएंगे नहीं, वो तो है ही राम रज्जो, कोई दुख नहीं, कोई छल कपट नहीं। यह है वर्तमान समय है रावण रज्जो, रावण राम रज्जो में पांच विकार होगा नहीं, दुख होगा नहीं, जथा राजा रानी प्रजा सबको सुख मिलते रहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्गों की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक से तो जाना तो जरूर है। तो बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो जितना भी आत्मा संसार में आता है तो नरक से गुजरना पड़ता है, नरक में आना ही पड़ता है। तो बाप को आना पड़ता है नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए, फिर तो तुम क्यों नहीं पावन बने, अपने आप को पूछना है। तो उन्हों को हर युग तो अनेक प्रकार का है, जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितना वैरायटी हर युग योग है। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते, मनुष्य कितना खर्चा करके कितना दूर दूर जाते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं होता। बाबा ने समझाया भारत जब पतित बनता रावण का राज्य होता तो धरती हिलती हिलने लगती है, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं, भूकंप होता है, महलों आदि को कोई लोटा थोड़ी ही है। बाबा समझाते हैं इतना सोना कहाँ गया, तो ये भूकंप हुआ नीचे चला गया। तो एक मंदिर को लूटा है, तो मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा है, ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा, कुछ जेवर सोना आदि ले गए। तो इसीलिए जेवरों का सबसे जास्ती शक तुमको है ना, तुम स्वर्ग में आती ही जेवर पहनते हो, सारा अंग ढक लेते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। तुम बहुत के बाप से स्वर्ग के बादशाही का वर्षा लेते हो, बाबा के तुम्हारा धर्म का साथ साथ राज्य भी स्थापन होता है, सुख शांति सब तुमको मिल जाता है, बाकी तो बाद में आता है। वो धर्म स्थापन करते राज्य नहीं, वो बाप बेटे समझाते हैं, गीता पढ़कर तो नहीं सुनाते हैं, गीता में जो लिखा हुआ है वो सब मैंने कहा नहीं है। बाबा समझाते हैं ये वैष्णव जो गीता लिखा है वो मेरी मुखा है, ये मेरी उबाचू नहीं है, वो तो मनुष्य ने मेरी महावाक्यों का बाद में वेद शास्त्र बनाया। थोड़ा थोड़ा तो भगवान का तो नाम पर थोड़ा थोड़ा दूसरों का नाम डाल दिया। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई किया। बाबा समझाते ये है रियल बात, अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो, वो तो भक्ति गीता है। अभी तुम गीता सुन करके बाद में तुम राजा बन जाते हो, ये ज्ञान रहता नहीं, लुप हो जाता है, वह ये ज्ञान रहेगा नहीं। वो तो बाप टीचर बेट शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में समझाते हैं, तो यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते ना, तो उन्हों को भाषा है हिंदी, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही था, ना कि संस्कृत था, ये तो द्वापर युग में बनाया है। तो यो संस्कृत तो शंकराचार्यों के बाद निकली है, उन्होंने अनुप्रेरणा दिया, जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत से सुनाई, नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, तो उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं, उनमें राजाई भी होती है। सन्यासियों का कोई राजा ही नहीं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सिख धर्म वाला
फसन्नाशी नहीं, ये गृहस्थी है। बाबा ने समझाया बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा था, यह भी सूक्ष्म समझने का बात है। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो स्वर्ग स्थापन कर ना सके, बाबा समझाते हैं उनमें तो पवित्र आत्मा आई जिसमें धर्म स्थापन किया। बाबा के ये इब्राहिम क्राइस्ट बुद्ध ये सब गृहस्थी धर्म वाले था, उसमें प्योर सोल आया। तो दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत होता है, तो आकर अपना छोटा मार्ग पथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया ना, तो हरजुग और राजयुग में देखो कितना फर्क है। इतना समय से बाबा लगातार कहते आए, ये बात समझने की है, जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देते रहेंगे और बाहर में तो ये बुद्धि को बाहर में फैलाते रहेंगे। यह तो तुमको खजाना मिलते हैं, खजाना एक एक वर्ड तो ये लाखों लाखों रुपया का है, तो बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो यो आँखों खुलकर तो सुनना होता है। झुटका खाते रहेंगे तो बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, तो वो राजधानी पा ना सके। ये सीधा बात बाबा ने समझा दिया, तुम्हें आँख खोल करके बैठना होता है, सुनना होता है, ना बुद्धि ना झुटका खाना ना उबासी देना। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने के लिए बैठे हो। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप से वर्षा लेते हैं, बाप से डिग्री लेता है। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का, कितना तुम साहूकार बनते हो। तो यहाँ एक ही बाप आकर राज्य सिखलाते हैं, सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, तो सिर्फ बाप को याद करो। बाबा मना नहीं करते, साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे ना, वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुरा खाओ या रोटी खाओ, तो याद करो बाप को। बाबा के साधारण खाओ, ऊँची खाओ कोई बात ही नहीं, बल कुछ भी खाओ। तो पैसा तो किसके लिए, यह बाबा छुट्टी दिया, ऐसा नहीं तो ऊपर का खाना ना तो लोएस्ट का खाना, बीच का खाना है हमें, राजयोगी के लिए, ब्राह्मणों के लिए। बाबा मना नहीं करते, पैसा किसके लिए है, सिर्फ बाप से योग लगाना है। तो इस राजधानी स्थापन करने में खर्चा नहीं है, उस लड़ाई आदि में देखो कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, बम बनाने में कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाता है, कितना करोड़ रुपया नुकसान हो जाता। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, सदर्शन चक्र फिराते रहो, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। बाबा समझाते हैं अभी अपना घर लौटना है, घर जाकर फिर आएंगे रजाई करने के लिए। सत्ययुग में तुम एक्टर्स हो ना, वो बायोस्कोप तो 2-2.5 घंटे चलते हैं, ये बेहद कर्नाटक 5,000 वर्षों का चलता है, तो इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है काटों का जंगल, बड़े से बड़ा काटा है विकार का, जो आदिबद्ध अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का काटा है क्रोध, उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। तो कोई बात में गुस्सा आता तो झट तो बम्स तो मारना शुरू कर देते हैं। देखो दुनिया कितना तम प्रधान हो गई, अभी तो ऐसे ऐसे बम्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि नहीं होंगे, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है, दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की कोई बात नहीं। तो वह तो सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, तो लड़ाई की कोई बात हो ना सके। शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है, तुम योग बल से विश्व की मालिक बनते हो। तो यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। बाबा कहे तुम्हें है या तो साइलेंस में रहना, चुप रहना। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो, फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख तुम देखेंगे। ये सुपर साइंस तुम इस्तेमाल करते हो, साइलेंस बल इस्तेमाल करते हो, साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो तो सुख के लिए करते, तो वो भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। बाबा के ये साइंस साइंटिस्ट भी आकर बाबा का ये ज्ञान को प्राप्त करेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, वैरायटी प्रकार का, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारी इस साइलेंस बल का
आवाज़ निकलेगा। तो ये आगे चल कर के तुम देखेंगे साइलेंस बल का कितना पावर। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन है, ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनको साथ चित्र भी दो, बाबा कहते हैं। तो ये लोगों को क्वेश्चन करना है, चित्र भी दे देना गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है या कृष्ण। तो परमात्मा का गुण भी लिखना, कृष्ण का गुण भी लिखना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं कृष्ण, भगवान का जन्म नहीं, जन्म मरण में नहीं आता। और इससे पावन बनाने वाला तो बाप ही है। तो कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म लेकर के तो पापी आत्मा बन गया, संबरी बन गया। उनको बेट समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। कृष्ण की आत्मा को बाबा ने समझाया, वो ब्रह्मा बाबा था। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को पहले मालूम हुआ, इसी प्रकार हमको भी मालूम होता है। सन्यासियों का धर्म ही अलग है, भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे तो चटक पड़ेंगे, फिर दईवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी है, बच्चा मिल गया बहुत खुशी होती है। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो उनको कहेंगे ईश्वर की भाभी। तो इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। तो बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बेटा हुआ है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन लंघन करते हैं, हमको इसमें बचाओ। 5000 वर्षों की बात है। तो इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर होता है। तो कोई तो स्त्रियां भी ऐसे होती है जो विष बिगर नहीं रह सकती, उनका नाम भी रखा हुआ है सूर्पनखा उतना आदि आदि। जो विष के लिए तंग करते रहते हैं वो है कांक्ष, जरासंध, शिशुपल, ये सब विनाश को पना ही है। इसका नतीजा भी दिखाया, उसका बाहुबल भी दिखाया, उसका परिणाम भी दिखाया। इस समय है आशुरी रावण राज्य, फिर होगा दैवी राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलना तब है जब विकार में जाते हैं, नहीं तो ये ज्ञान हमारा बुद्धि में बैठ जाता है, हमारा जीवन कितना परिवर्तन हो जाता है। विकार में जाने वालों का मुख ही पीला हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, तो ये सिर नीचू हो जाता है, खुद ही समझते हैं यो हमने क्या कर दिया, तो ये ना करने से अच्छा होता था। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, यो तुमको आदि मध्य अंतो दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच है काम महाशत्रु, हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो ज्ञान सागर पतित पवन, गीता का ज्ञान दाता शिव भगवान वाच है। तो कृष्ण का नाम उड़ जाएगा। बच्चों को अगर बाप का स्थल में बिठाया जाता है तो ये तो गलती किया ना हमने, तो ये गलती को तो सुधारना है। तो हमको गीता का भगवान बेट बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुराण दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान जी को कहते हैं ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा शिव बाबा तो एक ही है। तो वास्तव में रुद्र बाबा हम नहीं कहेंगे। तो बॉम्बे में बाबूरीनाथ का मंदिर भी है, अब बाबुल कहा जाता है कांटे को। बाबूरीनाथ नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है और नाम दिया है बाबूरीनाथ, तो कोई बाबूरीनाथ कहते हैं। बाकी तो अनेक नाम रख दिया है, तो शिव बाबा ही आकर कांटों का जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम शिव है। शिव परमात्मा है नमो, ब्राह्मण देवी देवता है नमो, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। इस समय का बात हमें समझना है। अब यो परमपिता परमात्मा बेट इस रथ द्वारा हमें समझा रहा है, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे हमारी कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना, यो बाबा भी कहते हैं। बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना,
तो पवित्र बनने बिगैर स्वर्ग में ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे, परंतु जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो इस समय, बाकी सब गवा रहे हैं, खाकर पीकर सोकर। तो भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, तुम समझते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, तुम कुछ काम नहीं, ये कुछ काम नहीं आएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये तो समझते हैं। 10-12 हजार वर्ष चलेंगे दुनिया। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर है, थोड़े समय में अंदर ये आर्थक्विक आदि हो जाएंगे, डमाडुल हो जाएगा, आर्थक्विक आदि में अनगिनत मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है, विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है ना, तो सो फिर इन आंखों से देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा ना सके। बाबा क्लियर बात लास्ट लाइन में बता दिया, भक्ति में कितना हम मगरूरी करते हैं, लेकिन कोई वैकुंठ में थोड़ी ही गया। ज्ञान बिगर सद्गति हो ना सके, जिसको आत्मा को, जिन आत्मा को ज्ञान नहीं मिलता वो सद्गति कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब भक्ति मार्ग के खिलौना है ये जो हम करते आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्यशात 1 नंबर, कुल कलंकित करने वाले कोई भी खराब काम नहीं करना, पवित्र बनने की आपस अपने आपसे प्रतिज्ञा करनी है। 2, आप अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना, फूलों के बगीचे में चलने के लिए काट निकाल देना है। बाबा समझाते हैं, वरदान पहले आपके पाठ द्वारा राजधानी ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। बाबा समझाते हैं, बाबा जैसे चतुर सुजान हम बच्चों को भी बनना है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी सतो ही बन जाता है, ऐसे अब बच्चे भी स्वयं नम्रोचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो, उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतर कर आपको सतो ही बिठा देंगे, सम्मान दो सम्मान मिलेगा, अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा, विरोध करेगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो अपने आपका पहले आपका पट पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे, यही चतुर सुजान बनने का तरीका है, इसमें मेहनत भी नहीं प्राप्ति भी ज़्यादा है। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, परिस्थित स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का समान है, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं। ओम शांति।